अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। कल मैं आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा था कि बीटीसी की प्राइस एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन बीटीसी की प्राइस पम्प करने के बजाय प्राइस डंप कर रही है। क्या वजूहत है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन कल की वीडियो में मैंने कोई स्टार्ट में 4-5 मिनट आपका दिमाग खाया था। आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वन पे एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे हम लोग गोल्ड अर्न कर सकते हैं ब्लास्ट के, और ब्लास्ट का एयर ड्रॉप 25-26 तारीख को मोस्ट लाइकली हो रहा है। आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उस तरह नहीं किया कि जिस तरह ये मेरी मीम कॉइन लॉन्च हो जाती है। बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहा है, दो इल्मे आलम के मीम कॉइन है, एक अनसक्सेसफुल है, यानी जो कल की मैंने मीम कॉइन लॉन्च की थी वो हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आप अपने फंड्स को क्लेम कर सकते हैं। उसका तरीकाकार यह है कि आप डिस्ट्रिक्ट वन की वेबसाइट को खोलें, पोर्टफोलियो पर जाएं, जैसे मेरा यहाँ पोर्टफोलियो खुला हुआ है, यहाँ इसको खोल के तो फिर आप यहाँ से आपके यहाँ पे फंड्स, आपके जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ से क्लेम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरे इस स्पेस के शेयर्स भी बाय किए हुए हैं तो शेयर्स भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैंने आप लोग मैं चाहता तो प्राइस जब 1700-1800 ओले के ऊपर थी तो मैं चाहता तो आपके ऊपर डंप कर सकता था, लेकिन आप लोगों का क्या कसूर? मेरी तो ट्राई थी, मैंने सोचा हम सब मिलके इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। मेरी ये वाली मीम कॉइन तो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इस दौरान जो कुछ मैंने अपने इस फर्स्ट एक्सपीरियंस से लर्न किया है उसको स्टडी करते हुए अभी मैंने दोबारा ये कैंपेन स्टार्ट की है। इसमें थोड़ी वो चीजें, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ मैं ही इसको लर्न कर रहा, इवन जो डिस्ट्रिक्ट वन के डेवलपर्स हैं वो भी बहुत सी चीजें लर्न कर रहे हैं, क्योंकि विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने 8,50,000 प्लस गोल्ड के अनाउंस करने की, और साथ साथ ये खुद भी लर्न करें। अभी इनकी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक मैंने अपना मीम कॉइन थोड़ा फाइन ट्यून किया है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। ये कहते हैं जी कि अभी पहले क्या था, पहले इन्होंने कहा जी कि जो भी मीम कॉइन जितने ज्यादा इथेरियम रेज करेगा उसको उतने ज्यादा गोल्ड मिलेंगे। कल के दिन मैंने आपको बताया जो नंबर वन था उनको, उसको 62,000 गोल्ड इन्होंने, और उसने इनको गाली दी थी, यानी वो जो मीम कॉइन कल जो विनर डिसाइड हुई थी वो एक तरह की इनके नाम के ऊपर गाली के नाम पे वो मीम कॉइन बनी थी, तो उसको इन्होंने 62,000 गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमें कुछ नहीं मिला था जो इन्वेस्टर थे। लेकिन अभी जो आज की तारीख है, मैंने कुछ 30 गोल्ड, दो मीम कॉइन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उनके बदले मुझे 30 गोल्ड मिले हैं। अच्छा, गोल्ड की एवरेज प्राइस अगर चले $10 नहीं, $5 भी लगाएं तो ये $150 की अमाउंट बनती है, यानी तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लें। अभी मैंने जो मीम कॉइन थोड़ा फाइन ट्यून किया है तो आप इसको देखें, एक तो मैंने शेयर होल्डर्स का रिवॉर्ड, अगर आप यहाँ मीम लैंड्स में जाएंगे ना तो आपको शायद ही कोई ऐसा मीम कॉइन होगा जो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता होगा। तो मैंने, अगर आप मेरी इस लॉन्च पैड में पार्टिसिपेट, तो 27% जो सप्लाई है मेरे टोकन की शेयर होल्डर्स के लिए है। शेयर की प्राइस ऑलरेडी अच्छा खासा पंप हो चुकी है। अच्छा, इसमें फिर फ्री एयर ड्रॉप क्लेम वगैरह भी है। मेरा ख्याल है इस वक्त बेस्ट, मेरी इस वक्त जो मैं कर सकता था सेटिंग वो मैंने की है, फीचर्स ऐड किए हैं। सॉफ्ट कैप मैंने 3 इथेरियम रखे हैं, पहले मैंने 10 रखे थे, वो तो अचीव नहीं हुए, 3 रखे हैं, और 3 मोस्ट लाइकली ये देख रहे हैं बिल्कुल 3 रेस के पास है। सॉफ्ट कैप अगर हम कंप्लीट कर जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद हार्ड कैप आ जाती है 10 इथेरियम। अच्छा, मैंने अब हार्ड कैप 10 इथेरियम क्यों रखा है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया इन्होंने पहले ये कहा कि जितना ज्यादा रेस उतना ज्यादा आपको ब्लास्ट गोल्ड मिलेगा। उससे क्या हुआ कि जो व्हेल्स थे उन्होंने अच्छा खासा इसको एक्सप्लॉइट किया। एक जो मीम कॉइन है उसने क्या किया कि लोएस्ट रखा 2 इथेरियम और हाईएस्ट रखा 4 इथेरियम, और धड़ाधड़ उसने 200-250 इथेरियम उसने डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि जो व्हेल्स हैं उनके लिए आसान नहीं है पैसे रेस करना। फिर इन्होंने देखा यार ये तरीका सही नहीं है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कहा है कि जितनी आपकी एक्टिविटीज होंगी उसके बदले आपको मिलेगा। तो एक्टिविटीज कैसे होंगी मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप कम्युनिटी को शेयर करेंगे, जैसे कि मेरे, मैंने लोएस्ट अगर आप मेरी टोकन में समय देखें तो आप 0.0 इथेरियम यानी सिर्फ $7-8 से भी यहां पे मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, और यहां पे आप एयर ड्रॉप वगैरह, फ्री एयर ड्रॉप वगैरह भी आपको मिलेगा। और अगर ये लॉन्च हो जाता है तो आपको 27% डेली 8,71,000 टोकन अलग आपको मिलेगा, ठीक है, और जितना आप यहां पे इन्वेस्ट करेंगे वो अलग मिलेगा। सिर्फ एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं जो आपने करनी है, पैसे यहां पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हाई ज्यादा से ज्यादा 1 इथेरियम ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर्स को मैंने कल भी अलाउ नहीं किया था, आज भी अलाउ नहीं किया,
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, वन इथेरियम अगर आप करें तो करने के बाद आपने करना क्या है। जैसे ही यहां टाइमर मेरी, ये मैं आपको दिखाता हूं आके मेन पेज पे, मैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं नंबर टॉप टू के ऊपर हूं, ठीक है, ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट मैं टॉप टू के ऊपर हूं और मेरा टॉप वन से ज्यादा शेयर प्राइस आपको ज्यादा नजर आ रहा है। यहां पे सिर्फ एक आपने काम करना है कि कल आपने ये जो मेरी डेट है टाइमर एंड्स इन 17, ये 18 घंटे बाद, ये जैसे ही यहां से 18 घंटे बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने फौरन जाके जितने भी टोकन लिए हैं वो आप डंप कर सकते हैं। अगर आप प्राइस की टेंशन है आपको कि यार प्राइस इसकी डंप ना हो जाए, क्योंकि हो यही रहा है पिछले 2 दिनों से, जितने मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं लॉन्चिंग के फौरन जैसे वो ट्रेडिंग के लिए जाते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो फौरन डंप करना शुरू कर देते हैं। आपने भी अगर वोलेटिलिटी से बचना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। मेरे से पूछे तो मैंने अभी तक जिसमें पार्टिसिपेट किया है मैंने उसको डंप नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था चंद दिन पहले कि इन्होंने 25 तारीख को जितने प्लेटफॉर्म पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ऐसे जो कम्युनिटी मेंबर जिन्होंने टोकन्स डंप नहीं किए होल्ड किए उनको वो इथेरियम शेयर करेंगे। बट लेट्स सी, इसको आप स्टडी करना, इसको दोबारा मैं आपके साथ, ये चांस, ये लास्ट चांस है, अगर ये भी सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर मैं मजीद इसमें पैसा नहीं झोंकूंगा, मैं मजीद पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा ना टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, मार्केट की अब दिगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। बीटीसी मैंने आपको बताया था, अभी बीटीसी की प्राइस दोबारा नीचे डंप किया है 66,400 समथिंग, जो कल जब मैं बना रहा था उससे डंप होके ये तकरीबन 63,500-600 तक ये डंप किया है। अभी प्राइस ने दोबारा इस वाली सपोर्ट को टेस्ट किया, इसको ब्रेक किया, प्राइस एन मुमकिन है अगर तो प्रेशर मजीद, वैसे तो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ मालूम शेयर करता हूँ, आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अगर तो प्राइस नीचे चले जाती है तो वो जो 60,000 की रेंज वाली बात जो हम पिछले हफ्ते से कर रहे हैं वो उस प्राइस तक को आप जेन में रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस दौरान डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। कल मैं आपको ख्वाब दिखा रहा था, यकायक अचानक एक ऐसी डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट की वजह से मेरा सारा जो अंदाजा था वो गलत हो गया क्योंकि उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो प्राइस है, ये वाली रेंज, इसको अगर आप देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ये देखें ना यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, तो ये वाली भी प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो रेंज है 64,000 की, तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है अगर आपने बीटीसी की पोजीशंस वगैरह एडजस्ट किए हैं। अब आते हैं जी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से प्राइस के ऊपर प्रेशर है। एक तो पूरा हफ्ता यानी मंडे से स्टार्ट हो जाए और आज फ्राइडे है, अभी फ्राइडे का डाटा हमारे पास ETF का कल आएगा, लेकिन मुसलसल 5 दिनों US जो ETF कंपनीज हैं वहां से नेट आउटफ्लो हुआ है, मुसलसल 5वें दिन, कल के दिन का भी ये 140 मिलियन ऑलमोस्ट मार्केट से आउट हुआ है। पीछे मार्केट में जो मेन मेजर फैक्टर है क्रैश करने वाला, वो जर्मन जो गवर्नमेंट है उसके हवाले से मार्केट में एक फड है या रियल है। जर्मन जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक पायरेटेड मूवीज, ये अक्सर हम गूगल पे सर्च करते हैं ना फ्लाम मूवी डाउनलोड वॉच, तो हम देखते हैं ये जो सारी वेबसाइट्स होती हैं ये पायरेटेड होती हैं यानी कॉपी राइटेड वो मूवीज को अपलोड करते हैं अपने, उस वेबसाइट को इन्होंने क्रैकडाउन किया था और उससे तकरीबन कोई 50,000 बिटकॉइन के करीब करीब, जो कि $3 बिलियन की वर्थ से ज्यादा के करंट वैल्यू की बेस में थे, 50,000 बिटकॉइन उन्होंने किया था। तो उसमें से इन्होंने कल जनाब यकायक, ये आप देख रहे हैं ये आर्कम इंटेलिजेंस ने की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20-24 घंटे पहले मुसलसल इन्होंने, ये देख रहे हैं कॉइन बेस में 200 BTC कॉइन बेस में फेंका इन्होंने, फिर इन्होंने 800 BTC मूव किया आगे पीछे, 1,000 BTC मूव किया, ये 24 घंटे की इस एक्टिविटीज के ऊपर मार्केट में एकदम पैनिक आया तो आपको प्राइस डंप होती हुई नजर आ रही है। तो ये पैनिक अभी भी, जाहरी बात है ये कब करेंगे नोबडी नोज, लेकिन इसको आपने क्लोजली वॉच करना है इस वजह से। अच्छा याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मार्केट में डंप हुआ हो, लेकिन नॉर्मली होता यह है कि जब भी कोई एक्सचेंज में डिपॉजिट करता है तो वो मोस्ट लाइकली यही समझा जाता है कि यार नियर फ्यूचर में ये इसको डंप करने वाला है, तो इस वजह से मार्केट में लोग पैनिक हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने एमटी गॉक्स के हवाले से रिपोर्ट्स थी कि एमटी गॉक्स जनाब फंड्स वो अभी मूवमेंट के हवाले से थी तो मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया था नेगेटिव, तो इसको भी हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि कल ये जो प्राइस पंप की थी, ये जो आपको थोड़ा सा यहां से 66,000+ प्राइस गई थी, उसके पीछे ये माइक्रो स्ट्रेटजी माइकल सेलर की कंपनी ने 11,931 मजीद बिटकॉइन बाय करने की ये खबर थी और इसकी वजह से प्राइस जो है वो बुलिश हो रही थी, लेकिन यकायक ये जर्मन न्यूज की फट आई और प्राइस जो है वो फिर दोबारा मार्केट सारी क्रैश हो रही थी। लेकिन कुछ फंडामेंटल्स डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि वो सर्कल के जो हेड हैं वो समझते हैं कि मैं इससे ज्यादा क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कभी भी बुलिश नहीं हुआ जितना इस वक्त।
जो ये जो विंकलिफ ब्रदर्स हैं, ट्विंस ब्रदर, इन दोनों ने 2 मिलियन डॉलर की वर्थ के जो BTC हैं डोनेट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की आजकल वो एक मीम कोइन उनके बेटे के नाम से मंसूब की जा रही है, उस वजह से काफी तनकीद की जा रही है। गो के उनके ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ये हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लोग बहरहाल एलिजेडली उनके बेटे के पास उसकी प्राइवेट कीज भी हैं मीम कॉइन की। बिटकॉइन माइनर्स की तरफ से भी प्रेशर है, और ये बिटकॉइन माइनर्स जो हैं ये OTC डील्स के जरिए अपना BTC सारा मार्केट में डंप कर रहे हैं। ये ऑन चेन डाटा ये बता रहा है, कोई क्रिप्टो क्वांट नहीं ये देख रहे हैं। और इस वक्त माइनर्स के पास जो रिजर्व है, प्राइस देखें कहां पे पहुंची हुई है, और माइनर्स के पास रिजर्व जो है वो मल्टी ईयर लो, यानी यूं समझ लें कि सन 2021 से भी इतने लोएस्ट हैं जितने सन 2021 में भी नहीं थे। तो माइनर जो है वो मार्केट में डंप कर रहे हैं वैसे भी, और OTC डील के जरिए भी। अनदर गुड न्यूज इज स्टैंडर्ड चार्टर ने, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने बिटकॉइन की और इथेरियम की स्पॉट ट्रेडिंग का डेस्क जो है वो ओपन कर रहा है। ये भी मार्केट में लिक्विडिटी, नया पैसा, कैपिटल आने की एक गुड न्यूज है। ठीक है, अब आते हैं जी मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज अपडेट्स की तरफ। सबसे पहले इंडियन रेगुलेटर्स ने बाइनांस को 2.25 मिलियन का फाइन किया कि भाई आप लोग बगैर लाइसेंस के हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली मेरा ख्याल दिसंबर, पिछले साल दिसंबर में शायद इनको नोटिस भेजा था, उसके ऊपर इनकी मेरा ख्याल ये चली। अभी फिलहाल कोई बाइनांस कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उसकी मेरे पास मालूमात नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम भी चाहें, हुकूमत पाकिस्तान भी चाहे, क्योंकि यहां पर भी जितनी एक्सचेंजेस हैं, सिर्फ बाइनांस नहीं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, उन सबको ये चाहें तो 5-5 मिलियन का फाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये अगर आप में से कोई बंदा किसी सरकारी ताकतवर हलके का कोई जानने वाला है और वो मुझे सुन रहा है, तो ये वाली खबर आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हम बड़ी आसानी के साथ अगर कुछ नहीं तो 50 से 100 मिलियन सिर्फ फाइन करके ही इनसे कलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर ये कंपनी चले भी जाती हैं, लेट से चले भी जाती हैं, तो पाकिस्तान को तो कोई नुकसान है नहीं, क्योंकि हम कौन सा कि मार्केट कोई रेगुलेट है जिससे हुकूमत कोई ऑलरेडी टैक्स ले रही है। हुकूमत को तो ऑलरेडी कुछ नहीं मिल रहा, तो एक तरह का रिस्क लेके देख ले अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो। दूसरा जी कोइन बेस के हवाले से अपडेट है। कोइन बेस ने एक्चुअली, ये सिर्फ कोइन बेस के साथ ताल्लुक नहीं है, हमारा जो रेमिटेंस का सारा स्ट्रक्चर है ये भी इंशाल्लाह अगले चंद सालों के अंदर सारा ही रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा, क्रिप्टो डोमिनेट उसको करेगा। ठीक है, बिटवाइस ने कमर्शियल कमर्शियल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई है इथीरियम के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, मैं आपके साथ प्ले नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। डी बैंक के ऊपर, डी बैंक ने एक क्वेस्ट, जैसे हम गैलेक्सी के ऊपर, Layer 3 के ऊपर, इस तरह जो इंगेजमेंट के प्लेटफॉर्म है, इसी तरह का प्लेटफॉर्म डी बैंक ने लॉन्च किया है। अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दे, तो सिंपल आप यहाँ ये अपना डी बैंक खोलेंगे तो यहां पे आके आपने मोर पे क्लिक करना है और वहां पे क्वेस्ट होगा, तो यहां पे आए दिन आपको कोई ना कोई क्वेस्ट आती रहेगी। क्वेस्ट क्या होंगी, फॉलो करें, लाइक करें, तो अगर करेंगे तो उसके बदले में डॉलर या कुछ टोकन्स वगैरह इस तरह रिवार्ड के तौर पे आपको ऑफर करवाए जाएंगे। तो डी बैंक के ऊपर आपने इस तरह एक्टिव रहना है। अब बात करते हैं जी कुछ फंड रेजिंग की। OKX ने सरमायाकारी की है, अवेल जो डाटा अवेलेबिलिटी लेयर है, अवेल का एयरड्रॉप वगैरह भी हमने क्लेम किया था, तो एक ये न्यूज है। दूसरा पार्टिकल नेटवर्क जो है, जिसकी ऑलरेडी एनिमोका ब्रांड्स और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी 25 मिलियन की अगेन फंड रेजिंग की है। तो ये फंड रेजिंग इन प्रोजेक्ट के फ्यूचर में ग्रोथ की एक तरह की अलामत है, और अगर हम किसी ना किसी तरीके से इन प्रोजेक्ट के साथ एंगेज हैं तो ये एक अच्छी न्यूज है। ठीक है, दूसरा Layer 0 के ऊपर वो जो डोनेशन वाला सिस्टम था उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद हो रही थी। ये ओमनी नेटवर्क ने बड़ा एक अच्छा सॉन्ग, मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। There's a crack and all she says, hey. ये बल्कि मैं बाद में आपके सुनने के लिए बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप मार्केट की एयर ड्रॉप के हवाले से मालूमत आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आते हैं जी ग्रास। ग्रास की अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं तो बहुत जल्द ये भी अपना TGA करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा खासा रिवार्ड आप लोगों को मिलेगा। ग्रास क्या है, ये बिल्कुल ये डीप एन एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऐसे जैसे IO.NET था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आइथर एज डिवाइसेज हैं, इस तरह की डिवाइस। ये आपने अपने जो ब्राउजर है उस ब्राउजर में आपने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक्चुअली ये वहां पे नेटवर्क के तौर पे यूज होता है। अगर तो आप मेरे साथ ऑलरेडी इंगेज हैं तो सबसे पहले तो आपने यहाँ रिवॉर्ड्स में आना है।
यहां पे आके आपने अपना फैंटम जो सोलाना का वॉलेट है वो यहां पे कनेक्ट करना है, बेशक फैंटम या कोई भी और आप वॉलेट यूज कर रहे हैं, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं तो वो भी यहां पे आपने अपना वॉलेट लिंक करना है। दूसरा, आपने एक चीज यहां पे अगर डैशबोर्ड पे आए तो यहां पे आप चीज एक नोट करेंगे, ये डिवाइस टाइप आपको जितनी आपकी माइनिंग हो रही है वो 1% है। अगर आप इसको खोलेंगे तो अभी इन्होंने एक ग्रास कम्युनिटी नोड नाम की एक्सटेंशन लॉन्च की है, जिसके जरिए अगर आप माइनिंग करेंगे सेम उसी तरह की एक्सटेंशन है जो आपने की है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इसके जरिए करेंगे कम्युनिटी नोड के जरिए तो आपको 1.25 जो है पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 1 पॉइंट नहीं ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और इसका अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है सिंपल। आपने एक्चुअली यहां पे अगर आप आए कम्युनिटी नोट्स, यहां डाउनलोड पे क्लिक करें, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, ये देखें डाउनलोड्स पे क्लिक करें उसके, चूंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसके बाद यहां पे जैसे ही डाउनलोड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वहां सारा आपको प्रोसीजर, ये देखें यहां पे सारा स्टेप्स आपको बता रहे हैं कैसे आपने इसको करना है। एक्चुअली आपने इसको अपनी जो ब्राउजर एक्सटेंशन है ये मैनुअली आपने ये एक्सटेंशन ऐड करनी है। वैसे तो हमने जो ग्रास की एक्सटेंशन है वो क्रोम के स्टोर से जाकर की थी, लेकिन ये क्रोम के स्टोर से नहीं, ऐसे मैनुअली आपने रेजी एडिट में जाके इसको ऐड करना है और उसके बाद आपने उसको ड्रॉप करना है। सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं डी बैंक का आपको बता रहा था, यहाँ पे आपने आना है और ये क्वेस्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रोज आपने चेक करना है कोई ना कोई क्वेस्ट आती रहेगी, जैसे ये वाली क्वेस्ट थी 100 बंदों में $100 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब चूंकि मैं लेट हूं तो इस वजह से ये क्वेस्ट अब कंप्लीट हो चुकी है, तो इस तरह आपने इन क्वेस्ट के ऊपर भी नजर रखनी है। लीनिया का नेक्स्ट जो वीकली राउंड अप है जी वो लाइव हो चुका है। ये लीनिया के ऊपर अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अभी ये लेयर जीरो या जितने प्रोजेक्ट ओमनी चेन टाइप प्रोजेक्ट्स होते हैं लॉन्च, तो वो क्या करते हैं, जितने ज्यादा आप एप्लीकेशंस में अपने आप को इंगेज करते हैं उतने ही ज्यादा आपको एलोकेशन मिलती है। तो लीनिया की अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ये वो एप्लीकेशन जो कि लीनिया खुद आपको बता रहा है कि इनके साथ इंगेज हो, तो आप इनमें अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएं। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, वन बाय वन जाके आप सारा खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आपको लीनिया पार्क का जो LXP टोकन है जो हमने कैंपेन Layer 3 पे फॉलो की थी, उस लीनिया पार्क में जिस जिसने पार्टिसिपेट किया था, अब उसका अगर आप खुद जाके चेक कर, मैंने टेलीग्राम और ट्विटर पे आपके साथ मेथड जो है वो शेयर कर दिया, उसका जो LXP पॉइंट्स है वो आपको मिल चुके होंगे, ठीक है। दूसरा जी, राइनो फाइनेंस के ऊपर अगर आप ब्रिजिंग वगैरह की है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला एक अल्फा की उन्होंने शेयर की है। टोटल मेरा ख्याल है ये अल्फा की 100,000 इन्होंने ये अल्फा कीज लॉन्च की हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर तो आपने 1 जून 2024 से पहले पहले अगर ब्रिजिंग की है तो आप क्वालिफाई करेंगे। स्क्रोल की चेन के ऊपर इसकी मिंटिंग होगी, उसके लिए स्क्रोल की चेन के ऊपर अगर आपके पास 0.0004 इथीरियम पड़ा हुआ है तो आप ये मिंट कर सकते हैं। तो इसको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जी, Layer 3 के ऊपर हाइपरलेन याद रखिएगा, ये भी एक मैसिव ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये मैं Layer 3 के क्वेस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये हाइपरलेन की सारी क्वेस्ट है, इन क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे तो हाइपरलेन भी आपको उसका एयरड्रॉप भी में भी क्वालिफाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद Layer 3 में भी आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी, टेको स्टारगेट के ऊपर, टेको की कल मैंने आपके कल के शायद परसों आपके साथ किया था कि इस पूरे हफ्ते अगर आप ब्रिजिंग करेंगे तो आपको टेको के पॉइंट मिलेंगे, टेल ब्रेजर के वो पॉइंट बाद में आपके एयरड्रॉप में काम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट की ये कैंपेन है, $50,000 का एयरड्रॉप ये कर रहे हैं, प्रोसीजर सारा यहाँ पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। मिल्की वेव और इनिशिया इनिशिया की एयर ड्रॉप फार्मिंग मैंने आपको वीकली बता रहा था, अभी इनका नेक्स्ट वीक की भी कैंपेन आ गई, ये देख रहा है मैं। अच्छा, मैंने इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग छोड़ दी, क्यों छोड़ दी है मैं आपको नहीं डिस्करेज करना चाहता, मैं 4,80,000वें रैंक के ऊपर आ रहा हूँ, तो मैंने कहा यार ऑलरेडी लाखों लोग इसके साथ एंगेज हैं। बहरहाल अगर आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके पास ये नेक्स्ट वीक 6 के बोनस टास्क आ गए हैं, इन टास्क को कंप्लीट करें। और दूसरा, इनकी मिल्की वेव के साथ, मिल्की वेव की ये स्लेशिया के ऊपर एक लिक्विड रीस्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, इसके भी एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए और इनकी इनिशिया के साथ पार्टनरशिप हुई है, और एन मुमकिन है कि बाद में इनिशिया और इनकी पार्टनरशिप की वजह से शायद आपको मजीद इनिशिया में एलोकेशन मिले एयर ड्रॉप की, ठीक है। तो इसको भी आप सारा स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, अब मैं इंशाल्लाह दोबारा अगर जिंदगी रही हिम्मत हुई
तो मंडे को दोबारा क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज़।